दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है पेटीएम ऐप पे अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करवा सकते हो। तो अगर आप जो है पेटीएम ऐप को यूज करते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेटीएम ऐप पे एक जो है सेविंग अकाउंट होता है जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नाम से होता है, जिसको अगर आप ओपन करवा लेते हो तो आप जो है अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट को अपने किसी भी यूपीआई ऐप पे ऐड करके उसको यूज कर पाओगे, उससे जो है ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो आप में से काफ़ी लोग जो है चाहते हैं कि मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है ओपन हो जाए, लेकिन काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि इसको ओपन करवाने के लिए हमको क्या प्रोसेस जो है करना होगा। तो आइए आज की इस वीडियो को आप पूरी देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही सही जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट जो है ओपन करवाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड करके ओपन कर लेना। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहां पे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च का, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने यहां पे सर्च करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहां पे आप जो है बैंक लिख के सर्च कर देना। बैंक लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे फिर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको यहां पे क्लिक करना होगा पेटीएम बैंक पे। गाइस पेटीएम बैंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सारी डिटेल्स जो है ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको सारे फायदे जो है बताए जाएंगे कि अगर आप जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ओपन करवाते हो तो इसमें आपको क्या क्या फायदे जो है देखने को मिलेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसपे आपको 2.5% का इंटरेस्ट जो है मिलता है। गाइस आप यहां पे अपना फिक्स डिपॉजिट करके यहां पे 5.5% का इंटरेस्ट जो है ले सकते हो, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद आप इसमें जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितना आपको करना हो उतना कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको जितना ट्रांजैक्शन करना हो कर सकते हो। और गाइस इसमें आपको डिजिटल जो है डेबिट कार्ड मिलेगा जिससे आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जहां भी आपको यूज करना हो कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इससे जो है एटीएम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है पेटीएम ऐप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। तो अगर आप इसको ओपन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए यहां पे आपको 3 स्टेप जो है कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप, आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पासकोड जो है सेट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहां पे 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप जो है पहला स्टेप पहले कंप्लीट कर लेना, अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पासकोड जो है सेट कर लेना। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके सामने आ जाएगा, आपको जो है नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने होंगे, आपको किसी को नॉमिनी जो है बनाना होगा। तो आप ये वाला भी स्टेप जो है सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लेना। फिर आपको थर्ड स्टेप मिल जाएगा केवाईसी का, आपको अपने पेटीएम ऐप में अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो इसके लिए आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा केवाईसी करवाने का। यहां पे अगर आप केवाईसी करवाते हो तो उसमें आपको 1,00,000 रुपए तक बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट जो है मिल जाएगी, प्लस आपका एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप यहां पे क्लिक करना अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहां पे आपको केवाईसी करवाने के मेथड जो है मिल जाएंगे। यहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे केवाईसी करवाने के लिए। पहला, आप जो है वीडियो कॉल केवाईसी करवा सकते हो, ऑनलाइन आप जो है वीडियो कॉल पे अपना जो है सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो वीडियो कॉल केवाईसी के जरिए। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आपको केवाईसी एट योर डोर स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जो है डोर स्टेप केवाईसी वाला ऑप्शन चूज करते हो तो पेटीएम का एक जो है एजेंट आपके घर पे आएगा, आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट करके चला जाएगा, ये वाला अगर आप ऑप्शन जो है चूज करते हो तो। और गाइस इसमें आपको तीसरा ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप जो है नियर बाई केवाईसी सेंटर पे जाके अपनी पेटीएम की फुल केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो। गाइस अगर आपके आसपास कोई नियर बाई केवाईसी सेंटर होगा तो वहां भी जाके आप जो है करवा सकते हो। तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ये चीज करवाने के लिए। तो गाइस आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए इतना ही काम करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसको आप जो है अभी ओपन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि अभी जो है आरबीआई की तरफ से पेटीएम के ऊपर जो है रोक लगा दिया गया है कि पेटीएम जो है अभी अपने पेटीएम ऐप पे नए कस्टमर जो है ऐड नहीं कर सकता है। तो अभी आप जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से रोक जो है लगा दिया गया।
गया है, अभी आप जो है ओपन नहीं कर पाओगे, तो इतना ही करके आपको ओपन करवाना होगा। लेकिन जब ओपन होने लगेगा तो मैं आपको अपडेट जो है दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही काम आपको करना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।